साथियों नमस्कार, आप सभी को हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल MLT न्यूज़ में। चूँकि MLT न्यूज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो हम बनाते हैं, तो उसी कड़ी में जो है वैकेंसी से संबंधित एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचना देना है। लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो प्रश्न आ रहा था कि क्या BVOC MLT के स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसी संबंध में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो है, जैसे कि हमारा आपने थंबनेल भी डाला है कि क्या BVOC MLT के स्टूडेंट्स एम्स में अप्लाई कर पाएंगे या उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और BVOC MLT के स्टूडेंट्स जो है इस संशय में हमेशा रहते हैं कि सभी जगह BSc MLT BMLT की बात की जाती है, BVOC MLT की बात नहीं की जाती है। BVOC MLT के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एम्स पटना के द्वारा और एम्स रायपुर के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट / टेक्नीशियन की पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट किया गया, टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन का। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें BSc MLT और इक्विवेलेंट मांगा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का फोन आया मेरे पास कि सर BSc MLT ही मांगा है, BVOC MLT तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मुझे लगा कि इस पर क्यों नहीं उनका संशय दूर किया जाए। तो BSc MLT तो लिखा है, साथ में इक्विवेलेंट भी लिखा है। इक्विवेलेंट भी मतलब, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष, अर्थात BSc MLT के समकक्ष। तो BSc MLT के समकक्ष जो है BVOC MLT भी होता है, ये भी 3 इयर्स डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है ये भी है, और प्लस में 5 ईयर एक्सपीरियंस है जिन स्टूडेंट्स का BVOC MLT करने के बाद 5 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं पटना एम्स में एंड रायपुर एम्स में। तो आज के वीडियो से ये संशय BVOC MLT स्टूडेंट्स का खत्म हो गया कि एम्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में BVOC MLT के कैंडिडेट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफाइड होने के बाद, एग्जाम देने के बाद क्वालिफाइड होने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब मिल सकती है। इस चीज का कंफर्मेशन आज ही क्लियर मैं कर देता हूं कि जहां पे भी इक्विवेलेंट लिखा है, BSc MLT के साथ में इक्विवेलेंट लिखा है, दैट मींस कि BVOC MLT के स्टूडेंट भी इसको, BVOC MLT के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और ये भी चीजें हैं कि जो छात्र अभी कर रहे हैं या पिछले 2-3 साल से BVOC MLT कर रहे हैं, हालांकि BVOC MLT भारत के बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो उन लोगों का ये भ्रम रहता है। अब ये भ्रम टूट रहा है धीरे धीरे, BVOC MLT को भी BSc MLT के बराबर की मान्यता मिल रही है, मान्यता है कह लें तो। आप लोग जो भी, मैं तो ये कहूँगा कि अगर BVOC MLT के में जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पास होने वाले हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ताकि उनको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना डीपली पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो इस तरह के वीडियोज जो है आप तक पहुँचेंगे और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल सकेगा। अब हम लगातार इसी तरीके से वीडियोज बनाते जाएंगे, तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके और भी अन्य जो साथी हैं उन तक भी पहुँचे और वो लोग भी अप्लाई कर सके और बेनिफिट ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।